मिथिले जी, पहले अंकिता और अब एक और इसी तरीके की खबर बंगाल से निकल कर आ रही है, एक और बेटी को जलाने की कोशिश की गई है। अभी देखिए, जो भी अपराध होते हैं, मैंने बार बार कहा है, जब भी किसी कोई भी इस तरह की घटना हुई है तो मैंने ये बार बार दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और जहां भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे सलाखों के पीछे, और उन पर भी कार्रवाई। अभी क्रिटिकल सिचुएशन में रिम्स में है, क्या बेहतर इलाज के लिए उनको एयरलिफ्ट? अब ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मेडिकल बोर्ड की कोई भी निर्णय होगा, उन्हें जहां भी जो भी समुचित इलाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कभी सरकार न पीछे रही है न रहेगी। बीजेपी कह रही है कि ये जो देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं करना चाहते। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। बीजेपी को और भी जगह देखना चाहिए जहां उनके राज में, जहां कि बेटी को जिंदा, बेटी को और उसकी हत्या करके और उसके बाद नहर में फेंक दिया जाता है, उसमें चुप्पी साध कर जो वो बैठे, वो क्यों नहीं बयान दिया? एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्यों, एक हमारे राज्य के कोई एक नेता है जिन्होंने कोई बयान दिया हो तो बता दें। ये बांग्लादेश घुसपैठ का कनेक्शन, ये देखिए इन लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास रह गया है, ध्रुवीकरण। और अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता देख रही है कि कौन विकास कर रहा है और कौन विनाश की ओर ले जा रहा है इस देश को, इस राज्य को। देखिए बैठक, मैंने सोचा था कि आप लोग बैठक के बारे ही पूछेंगे, लेकिन आप लोग बैठक देखिए, आप देख रहे होंगे किस तरह का उत्साह है। पूरा झारखंड, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मय हो गया। अब कहीं किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब आप देख रहे हैं कि आज केंद्रीय कमेटी की बैठक किस तरह उत्साह है लोगों में, बाहर से लेकर अंदर तक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।